नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमारी ओर से सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है स्वर्ग को जा चुके थे। उसके माता पिता दोनों ही मर चुके थे। बस था तो एक बड़ा भाई था। उस जवान लड़के के पास माँ बाप की दी हुई थोड़ी बहुत जमीन थी। उसी पर वह अपने भाई के साथ मिलकर खेती करता था। उस जवान लड़के और उसके बड़े भाई दोनों ही बहुत ही मेहनत करते थे और खेती में किसानी के साथ मेहनत मजदूरी भी कर लेते थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी दोनों का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। एक बार की बात है, वह सुंदर लड़का गांव के ही जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था। सुबह सुबह की बात है, सुबह सुबह का समय था। जमींदार के खेत गांव के बाहर थे और खेतों के पास एक बहुत बड़ा मैदान था। वहां पर मेलों और त्योहारों के समय गांव के लोग इसी मैदान में इकट्ठे होते थे। कभी कभी इस खाली पड़े मैदान में बंजारे भी आ जाते थे और अपना डेरा वहीं पर लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन तक गांव में रुकते, फिर अगले गांव की ओर चले जाते थे। जमींदार के खेतों में एक बहुत बड़ा कुआं था। वो सुंदर लड़का, जवान लड़का कुएं से पानी को खींचता और पास की नाली में डाल देता था। नाली खेतों के बीच से होकर जाती थी, अतः पानी खेतों में चला जाता था और वह लड़का पूरे तन मन से काम करता रहता था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए हुए खड़ी थी। वह सुंदर लड़का बंजारन की ओर देखने लगा तो देखता ही रह गया। बंजारन कोई 15-16 वर्ष की थी और बहुत ही सुंदर थी। युवक ने आज तक ऐसा सौंदर्य कभी नहीं देखा था, ना ही इतनी सुंदर लड़की देखी थी। वह बंजारन युवक को बहुत देर तक देखती रही। उसने अपने जीवन में भी हृष्ट पुष्ट और सुंदर युवक उसने भी कभी नहीं देखा था। वह बंजारन उस सुंदर लड़के के पास पानी लेने आई हुई थी तो वह उसकी सुंदरता पर इतनी मुग्ध हो गई थी कि वह उस लड़के से पानी मांगना ही भूल गई थी और वह उसे एकटक देखे ही जा रही थी। वह युवक ने बंजारन को अपनी ओर बहुत प्यार भरी नजरों से एकटक देखते हुए देखा तो वह घबरा गया। उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी समेत कुएं में जा गिरी। जब बंजारन ने उस सुंदर लड़के की यह दशा देखी तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने उस युवक से कोई बात नहीं की और दौड़ती हुई वह अपने डेरे में चली आई। उसने डेरे से एक पतली रस्सी और कांटा उठाया और उस लड़के के पास वापस चली गई। युवक अब अपने पर पूरी तरह नियंत्रण कर चुका था। वह मुस्करा रहा था, धीमा धीमा हंस रहा था और बंजारन उसे बड़े प्यार से देख रही थी और बंजारन को वह लड़का बहुत प्यार से देख रहा था। बंजारन ने कांटा कुएं के अंदर डाला और कुछ ही क्षणों में रस्सी और बाल्टी दोनों को बाहर निकाल लिया। युवक बंजारन की आंखों की भाषा समझ रहा था। उसने बंजारन का घड़ा भरा और बिना किसी बात के रस्सी बाल्टी लेकर अपने घर आ गया। लड़का रात भर सो नहीं पाया।
उसे नींद ही नहीं आई। वह पूरी रात आंखें बंद किए उस बंजारन के बारे में सोचता ही रहा। बंजारन सच में बहुत ही सुंदर थी। अगले दिन सुबह सुबह वह युवक फिर जमींदार के खेतों में पानी डालने के लिए कुएं पर आ गया। उसकी आंखें अभी अलसाई हुई थी और वह पहले की तरह चुस्त नहीं थी। उस युवक ने कुएं पर पहुंचकर अभी एक बाल्टी पानी ही भरा था कि वह बंजारन फिर से आ गई। ऐसा लगता था वह अपने डेरे के पास खड़ी हुई उस युवक की रास्ता देख रही थी। दोनों ने फिर से एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें कर गए। युवक के मन की बात जानने के बाद उस बंजारन ने कहा, तुम मेरे डेरे पर चलो। वह बंजारन उस लड़के को अपने डेरे पर ले आई और अपने पिताजी से मिलवा लिया। बंजारन का पिताजी बहुत ही लालची स्वभाव का आदमी था। उसे जब यह मालूम होया कि युवक एक गरीब किसान है, तो उसने उसके साथ बंजारन का विवाह करने से बिल्कुल मना कर दिया और कहा, तुम बहुत गरीब हो। लेकिन बंजारन की माँ के बहुत समझाने के बाद वह इस शर्त पर राजी हो गया कि वह युवक मुझे 500 चांदी के सिक्के ला कर देगा। बंजारन के पिताजी ने युवक से साफ साफ कह दिया कि वह 5 माह के बाद नवदुर्गाष्टमी के दिन कामाख्या माता के मंदिर में वह बकरे की बलि चढ़ाएगा। इस दिन तक अगर उसने चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो वह कामाख्या मंदिर में ही अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देगा। यदि युवक चांदी के सिक्के ला कर नहीं देगा तो वह अपनी बेटी को किसी और को सौंप देगा। उस लड़के ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली और वह शरीर से हष्ट पुष्ट और मजबूत होने के साथ ही बहुत ही साहसी और हिम्मत वाला भी था। उसे बहुत विश्वास था अपने ऊपर कि वह किसी न किसी तरह मेहनत और मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के इकट्ठे जरूर कर लेगा। बंजारे 3 दिन गांव में रुककर फिर दूसरे गांव की ओर चले गए। उनके साथ वह बंजारन भी चली गई। ग्रामीण उन बंजारों को जाते हुए देख रहा था और वह बंजारन भी बार बार मुड़ मुड़ कर उस लड़के को देख रही थी। बंजारन के जाने के बाद वह लड़का अपने घर आ गया और उसे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के जो कमाने थे। बार बार वह लड़का बहुत सोच विचार कर रहा था कि इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता है। अगले दिन युवक जमींदार की हवेली पर जा पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी सारी दुविधा बता दी। जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह युवक को 100 सिक्के प्रतिमाह इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वह दिन रात उस जमींदार का काम करेगा और सब तरह का काम करेगा जो जमींदार काम करवाएगा। उस युवक ने जमींदार की बात मान ली। वह लड़का दिन रात उस जमींदार की सेवा में लग गया। वह लड़का बहुत ही मेहनती था। वह दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता, रात को जमींदार की हवेली में काम करता और जमींदार उसे जो भी काम देता वह दिन रात करता ही रहता था। दिन रात मेहनत करने के बाद वह लड़का बहुत बीमार पड़ गया, परंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के काम बंद नहीं किए। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। युवक वो लड़का अपने चांदी के 100 सिक्के लेने के लिए उस जमींदार के हवेली पर पहुंचा, लेकिन जमींदार ने चांदी के सिक्के देने से साफ इनकार कर दिया। उसने उस लड़के से साफ कह दिया कि उसकी इस तरह की कोई बात उसके साथ हुई ही नहीं जो उसको 100 सिक्के चांदी के दे। उस लड़के को बहुत गुस्सा आ गया। उसने जमींदार को बहुत बुरा भला कहा और उसे उठाकर एक पत्थर की एक चट्टान पर धक्का मार कर पटक दिया। इससे जमींदार का सिर फट गया और वह जमींदार मर गया।
इसी समय जमींदार के घर वाले और उसके नौकर चाकर वहां पर सभी आ गए, लेकिन इसके पहले कि वह जमींदार के नौकर चाकर उस लड़के को पकड़ पाते, वह वहां से भाग चला। जमींदार के नौकरों ने उसके पीछे पीछा किया, किंतु वे युवक को पकड़ कर नहीं पा सके और खाली हाथ वापस आ गए। युवक वो लड़का भागता रहा और भागते भागते बंगाल में आ गया। यह एक नया स्थान था। लड़के को लगा कि वह यहाँ सरलता से 500 सिक्के चांदी के कमा सकेगा और अपने बंजारन को वापस ले आएगा और यहीं बस जाएगा। उसके लिए अब गांव वापस लौटना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वहां पर उसकी जान के दुश्मन थे। युवक को काम ढूंढते ढूंढते 3 दिन बीत गए, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिला। इस बीच उसने ना ही कुछ खाया पिया और वह भूख से हालत उसकी बेहाल हो गई। चौथे दिन सुबह सुबह युवक एक बगीचे में बैठा हुआ था। वह कुछ सोच रहा था। इसी समय उसके पास एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उस लड़के को लगा कि वह स्त्री उसकी कुछ सहायता करना चाहती है। उसने उसे अपने पास में बैठा लिया और उसे अपनी सारी बातें बता दी। उस सुंदर लड़की ने युवक की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसने उसे सभी प्रकार से मदद करने का विश्वास दिला दिया और वह उसे अपने महल में ले आई। वह सुंदर लड़की का महल बहुत बड़ा और आलीशान था। सुंदर लड़की ने युवक को भोजन कराया और आराम करने के लिए उसे एक शानदार बिस्तर दे दिया। युवक भी बहुत थका हुआ था और भोजन करने के बाद उसे नींद आ गई। इतना थका हुआ था कि वह पढ़ते ही सो गया और इतना जब तक सोता रहा जब तक उसकी आंख नहीं खुली। रात आधी हो चुकी थी। चंद्रमा का हल्का हल्का प्रकाश भी खिड़की से भीतर कमरे की ओर आ रहा था। वह लड़का उठा और खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा। सुंदर स्त्री का उस लड़की का कोई भी अता पता नहीं था। वह लड़का बहुत ही हैरान हो गया। अचानक उस लड़के के कानों में उस सुंदर स्त्री के गाने की आवाज टकराई। उस आवाज में गजब का आकर्षण था। युवक को ऐसा लगा कि वह उसे मानो बुला रही हो। गीत गाकर युवक अपने आप पर काबू नहीं रख सका और आवाज की पीछे पीछे चला गया। थोड़े कदम ही चला था कि युवक ने उस लड़के ने देखा कि वह स्त्री बहुत सारे श्रृंगार किए हुए उस सुंदर अपने आप को देखती हुई शीशे के सामने खड़ी थी और अपने आप को देख रही थी। उस सुंदर स्त्री ने शीशे में युवक को देख लिया और वह उसकी ओर मुस्कुराते हुए आगे की ओर बढ़ी और उससे लिपट गई और उसे पलंग पर ले गई। लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वह यह समझ ही गया कि वह सुंदर लड़की उसे क्या चाहती है। इसी समय सुंदर लड़की ने उसे कहा, यदि वह उसका साथ दे तो वह उसे अगले दिन चांदी के 500 सिक्के दे देगी। उस लड़के के हृदय में बंजारन तो बसी हुई थी। वह किसी स्त्री के साथ ऐसा कुछ कर्म नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने बंजारन को पाने के लिए उसने उस सुंदर स्त्री की बात मान ली। सुंदर स्त्री उसको फिर से ऐसा ही करने को कह देती और अगले दिन उसे चांदी के 500 सिक्के देने का झूठा वादा कर देती। लेकिन अब और उसे इंतजार नहीं हो रहा था। एक रात उसने उस सुंदर स्त्री का साथ देने से मना कर दिया। वह सुंदर स्त्री उसे समझाने लगी। उसके बहुत समझाने के बाद भी जब वह युवक नहीं माना
तो उसने तरह तरह की धमकियां देनी शुरू कर दी। जब वह धमकियों का उस लड़के पर असर नहीं हुआ तो वह क्रोध में आ गई और उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। वास्तव में वह सुंदर स्त्री एक जादूगरनी थी। उसे वह जब लगा कि वह लड़का उसकी बात किसी भी कीमत पर नहीं मान रहा तो उसने अपनी जादू शक्ति से उसे एक फूल बना दिया और अपने बगीचे के एक तालाब में लगा दिया। इधर वह बंजारन ने युवक की 5 माह तक इंतजार करती रही, लेकिन जब वह लड़का नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। एक दिन अचानक वह बंजारन जादूगरनी के महल में आ पहुंची। सुबह सुबह का समय था। जादूगरनी अलसाई सी महल के एक कमरे से बाहर देख रही थी। उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने खड़ा हुआ देखा तो उसे कुछ शंका हुई। वह कहीं बंजारन तो नहीं? बंजारन को देखते देखते जादूगरनी के महल में यह विचार आया कि बंजारन को किसी तरह बहला फुसला कर अपने महल में रोक लिया जाए और उसकी सहायता से युवक के साथ मनमानी की जाए। यह विचार आते ही वह जादूगरनी अपने महल के दरवाजे पर आ गई और बंजारन को अपने महल के भीतर ले गई। उसने उस बंजारन को उस लड़के की पूरी कहानी बता दी। उसने बंजारन को यह भी विश्वास दिला दिया कि वह आज की रात उसके प्रेमी से उसे मिलवा देगी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने उसके प्रेमी को एक कमल का फूल बनाकर अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया है। वह बंजारन बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी हुई स्त्री एक देवी का रूप है और वह उसकी इच्छा अवश्य पूरी कर देगी। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर बहुत अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी लड़के की बहुत ही प्रशंसा की। उसे जब लगा कि बंजारन उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है तो उसने उस बंजारन से कहा कि वह भी उस युवक से बहुत प्यार करती है और दोनों को उसका प्यार बराबर बराबर ही मिलना चाहिए। बंजारन को जादूगरनी की ये बात अच्छी नहीं लगी और वह सब कुछ बांट सकती थी लेकिन वह अपने प्यार को नहीं बांट सकती थी। वह अपना प्यार पाने के लिए, उस लड़के को पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई थी, घर बार माँ बाप। जादूगरनी ने बंजारन को समझाने की बहुत कोशिश की परंतु बंजारन नहीं मानी और वह क्रोधित हो उठी। जादूगरनी को भी बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने जादू से बंजारन को कीड़ा बना दिया। बंजारन को जब यह पता चला कि यह कोई जादूगरनी है, लेकिन अब क्या हो सकता था, अब तो बहुत देर हो चुकी है। फिर भी वह कीड़ा बनी हुई उस खिड़की के रास्ते महल से बाहर आ गई। इसी समय कीड़ा बनी हुई वह बंजारन के कानों से उसके प्रेमी उस लड़के की आवाज़ जा टकराई। यह आवाज़ उसे अपने पास बुला रही थी। बंजारन ने इधर उधर देखा। यह आवाज़ महल के किसी तालाब में खिले हुए एक कमल से आ रही थी। बंजारन की समझ में सब कुछ आ गया था। जादूगरनी ने उसके प्रेमी को जरूर कमल का फूल बना दिया है और वह तेजी से कमल के पास कीड़ा बनी हुई वह बंजारन पहुंच गई और उसमें कमल में जाकर समा गई। इसी समय खिला हुआ कमल एकदम बंद हो गया। जादूगरनी बहुत गुस्से में थी। वह कीड़ा बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते बगीचे के एक तालाब तक आ गई, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिली। इसी समय कमल मुरझा गया और अपने भीतर कीड़ा बनी बंजारन को लिए हुए पानी में समा गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।